एंड देन उसके बाद वो क्यूसी से आउट होता है। किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रीजन रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, इनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहां से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो जितने इन्फॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स अ चांस कि जहां पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद होता है ओएसआई, ऑपरेटर सुपरवाइजर इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन। अगर वहां पे किसी का सस्पिशियस लग गया वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक जो एमडीडी है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहां पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा वो मेरे लिए मतलब शॉकिंग था कि किसी ने ऐसे आप स्कैन करते हो कि चार फिंगर मैंने यहां से लिया, उसके ऊपर मैंने फिर से चार फिंगर उस रेसिडेंट का लगा के दे दिए। ये मैंने आंखों से देखा कि ऐसे पैकेट वहां पे आते हैं। आप क्या करते हो, स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो। धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आयरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है, आपको लगता होगा ना कि शायद छोड़ दो कोई बात नहीं। हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए, एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहां पे रेसिडेंट 60 ईयर से अबव है जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है, उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती तो वहां हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है, जो 30 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, उसकी बायोमेट्रिक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वहां पे जब आप फोर्सफुली डालते हैं ना, तो एमडीडी में वो दिखता है कि ये फोर्सफुली डाला हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसका स्कोरिंग होता है 2, 3, 17, 19 आउट ऑफ 100, वो वहां रिजेक्ट हो जाता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है, और ये जो जितने स्टेजेस हैं ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं, कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंस ही जाता है। अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है, दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। वो वहां पे टेक्निकल इश्यूज, डेटा प्रोसेस एरर, वो वहां पे उस तरह के कैटेगरी में रिजेक्ट होते हैं। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आपने सिस्टम सिंक किया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला गया। जो आप पैकेट बोलते हो, जो ईआईडी बोलते हो, वो ईआईडी प्री सेडा के बाद बनता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट, उसका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपका क्लाइंट वर्जन सब कुछ मिल के एक 14 डिजिट का एक ईआईडी बनता है। वो ईआईडी बन नहीं पाया, टेक्निकल एरर। मैं समझाऊं कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं आया या क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, कैसे समझाऊं मैं? और रेसिडेंट को उससे मतलब भी नहीं है। ये सारी चीजें जो है बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब सिस्टम में जाओगे आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है, तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस है, कितने एक टेक सेंटर है और कितने रिसोर्सेस काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है
तो जाता है आपका FMS सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा EID फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड। ऐसे टोटल 432 मैसेजेस हैं रिजेक्शन के।